सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। बहुत समय बाद कॉलेज रिव्यूज हम वापस लेके आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा का कंप्लीट इन डिटेल कॉलेज रिव्यू। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल रिव्यू किया था, बट वो सिर्फ इंजीनियरिंग स्ट्रीम को लेकर किया था। आज इंजीनियरिंग के साथ साथ डिफरेंट जितनी भी स्ट्रीम है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक देख लेना, और वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाला हूँ एक क्विक कैंपस टूर ऑफ पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा। ठीक है, तो अगर आप गुजरात के अंदर हो तो इस यूनिवर्सिटी से तो रूबरू होंगे ही। पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है यार इस वीडियो को बनाने से पहले। जितने भी टॉपिक है सबको इकट्ठा करो, PDF बनाओ एंड ऑल। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस बात पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, अब समझ सकते हो मेरा दुख। मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो सबसे पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से बिल्डिंग देखने को मिलती है जो कि हर जगह पारुल के नाम पे दिखेगी। बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो 2009 का। जितना ज़्यादा ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पुराना होगा, उतना ही कॉलेज का एलुमिनाई बेस जो है उतना ही अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ज़्यादा पुराना नहीं है तो एलुमिनाई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा इस कॉलेज का। मैं इस वीडियो के अंदर मैं पहले बता रहा हूँ, किसी को अगर बुरा लग सकता है तो लगने दो भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज मैं इसके अंदर एक भी इस वीडियो के अंदर एक भी ऐसी हवाबाजी वाली बात नहीं करने वाला जो मेरे को किसी ने पैसे दिए हों या ऑल। मेरे पास ऑफर आए थे, बड़े बड़े ऑफर आए थे, मैंने ठुकरा दिए भाई, क्योंकि यार इसके अंदर आप लोग जा रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं भविष्य जुड़ा हुआ है, और कुछ चंद पैसों के लिए मैं नहीं बिकने वाला। तो ठीक है, जो भी स्पॉन्सर होता है तो मैं बोल देता हूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर है, विदाउट वेस्टिंग स्पॉन्सर का बिना नाम लेके नहीं करने वाला। कैंपस टूर, कैंपस एरिया की बात करते हैं, 150 एकड़ के अंदर फैली हुई है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, 150 एकड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ी एक एरिया होता है। लोकेशन की बात करें तो सिटी से बहुत ज़्यादा बाहर है, रेलवे स्टेशन से 23 किलोमीटर है और एयरपोर्ट से 19 किलोमीटर है, लगभग 20 किलोमीटर मान सकते हो। कौन से कोर्स ऑफर करती है उसके बारे में बात करता हूँ। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, IT, फाइन आर्ट, सोशल वर्क, फार्मेसी, हेल्थ केयर, अप्लाइड साइंस, नर्सिंग। भाई साहब कोर्स तो इतने भर रखे हैं जितने तो भाई पूछो मत तुम, इतने कोर्स तो मतलब बहुत ज़्यादा भर रखे हैं लिटरली। और इसी वजह से यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो एक कैंपस के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो भीड़ भड़ाका देखने वाला है। कूद के पढ़ते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात पे, प्लेसमेंट के बारे में। तो देखो प्लेसमेंट ऐसा है कि कुछ कुछ फील्ड के अंदर अच्छा प्लेसमेंट होता है, कुछ कुछ फील्ड के अंदर नहीं होता, उसके ऊपर आगे डिटेल बात करेंगे। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है अभी तक यहाँ पे 18 LPA का होता है। एवरेज प्लेसमेंट की अगर बात करें 3.5 LPA, मीडियम पैकेज जो है वो 3.5 LPA से एवरेज 3.5 LPA था, मीडियम जो है 3.1 LPA का हो जाता है। अच्छी कंपनीज कौन कौन सी आती है, टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन को जाती है, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ से हायर करके ले जाती है स्टूडेंट्स को। तो देखो एशियन पेंट, बायजूस, अमेजॉन, TCS, गोदरेज एंड जितनी भी नामी कंपनीज है, कुछ कुछ दिख रही है, गूगल नहीं दिख रही है और अमेजॉन भी दिख रही है, चलो कुछ कुछ तो दिख रही है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं दिख रही है। तो कुछ कंपनी अच्छी भी हैं, कुछ बाकी नॉर्मल कंपनीज वगैरह देखने को मिलेगी आपसे। अगर आप भी कॉलेज के अंदर हो और अपनी कॉलेज के जॉब को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर हो तो एक शानदार प्लेटफॉर्म के बारे में बात करता हूँ। मैं बात करने वाला हूँ रीलेवल के बारे में। रीलेवल का एक सिंपल सा टेस्ट क्लियर करके आप इंडिया की 200 से ज़्यादा कंपनीज हैं स्टार्टअप के अंदर आप जॉब पा सकते हो। बेसिकली करना कुछ नहीं है, रीलेवल का रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाना है। जिससे आप जाओगे वहाँ पे सिंपली आपको बतरे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, बिजनेस डेवलपमेंट जैसे कंपनीज जैसे जॉब रोल के अंदर जॉब पा सकते हो। रीलेवल से टेस्ट करवाएगा, इसके अंदर ओनली आपको 50% स्कोर करना, जिससे 50% से ज़्यादा स्कोर करोगी तो रीलेवल आपको गारंटीड जॉब प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं रोहित के बारे में। रोहित 10th क्लास से ही अपने फैमिली बैकग्राउंड के बिजनेस जो थे उसके अंदर इन्वॉल्व थे। 17 साल की उम्र में ही उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को अपने आपने हैंडल करने लगा, लेकिन उन्होंने अपना जो आगे का इंटरेस्ट है वो सेल्स के अंदर दिखाया। लेकिन डिग्री नहीं होने के कारण उनको थोड़ा जॉब लेने में दिक्कत आने लगा। फिर किसी वीडियो से उन्हें रीलेवल के बारे में पता चला। जब रीलेवल के बारे में पता चला तो उन्होंने टेस्ट क्लियर किया। टेस्ट क्लियर करके बिजनेस डेवलपमेंट वाली जो पोस्ट होती है उसके अंदर जो है लोमोस एंटरप्राइजेस वाली कंपनीज के अंदर जॉब ले ली। तो इसी प्रकार से इंडिया के काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है रीलेवल के थ्रू जॉब ले रहे हैं। रीलेवल ने अब तक 42 करोड़ वर्थ रुपीज़ की जॉब जो है प्रोवाइड करा चुकी है स्टूडेंट को। रीलेवल आपको गुडीज़ भी प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर आप एप्पल के प्रोडक्ट, मैकबुक वगैरह भी जीत सकते हो अगर आप अच्छा स्कोर करते हो। तो फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, रीलेवल के नाम से साइन अप करो, अपनी ड्रीम जॉब पाओ। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है बीटेक जो है वो कौन से फील्ड के अंदर होती है। तो ऑलमोस्ट सारे फील्ड भर रखे भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, बायोटेक, केमिकल, इंफॉर्मेशन, डाटा साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, सारे के सारे फील्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फील्ड नहीं देखने को मिलेगा, भरपूर है। MBBS भी करवाते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे, ठीक है, 12th के बेसिस पे, नीट UG के बेसिस पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
फिर उसके बाद करते हैं बीएससी नर्सिंग, तो वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका यहाँ पे दे रखा है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इस पूरे पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाके सिंपली आप इसको डाउनलोड करके पूरा देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में बीएससी के बारे में देख सकते हो, बीएससी कौन से फील्ड के अंदर होती है, बायोकेमिकल, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल। और उसके बाद में आप एग्रीकल्चर के अंदर भी देख सकते हो, एमटेक कौन से फील्ड के अंदर होती है, कैड कैम, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड ऑल, जितने भी सिविल के अंदर सिस्टम स्ट्रक्चरल, मशीन डिजाइनिंग एंड ऑल, तो जितने भी ये फील्ड हैं इसके अंदर एमटेक भी कराई जाती है। एमप्लान जो होता है आगे बीआर के आगे, वो वाला भी यहाँ पे प्लानिंग के फॉर्मेट में आप कर सकते हो। एमबीए कराया जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजिंग कोर्स के अंदर, तो ये सारे कोर्सेज है जो आप देखने को मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, इतना एक एक को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो पता नहीं घंटे भर की हो जाएगी, और आई डोंट थिंक सो कि एक घंटे की वीडियो कोई देखेगा। आगे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, कैसा देखने को मिलता है। तो भाई यूनिवर्सिटी नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देखने को मिलेगा, बट ऐसा सुनने में आया है और ऐसा देखने में आया है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरा बना नहीं है और भी डेवलपिंग कंडीशन के अंदर है, बट फिर भी बुरा नहीं है, अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल, जिम वगैरह, कैफेटेरिया, हॉल, सब कुछ देखने को मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बुराई नहीं है। अब बात करते हैं भाई कितनी जेब हमको गर्म करनी पड़ेगी, कितना पैसा लगने वाला है इधर। तो अगर आप बीटेक करते हो तो आपकी 86,000 एक साल की फीस लगने वाली है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। अब मेरे को नहीं लगता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा कोई फुलफिल करना होता होगा, एडमिशन हो जाते हैं इजीली पारुल के अंदर। और आपको अगर आप पारुल के अंदर एडमिशन लेने हो तो आपको बेसिकली मेरी भी जान पहचान है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो यहाँ पे, और मैं आपकी हेल्प करवा सकता हूँ एडमिशन करवाने में, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, बट आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए मेरी तरफ से, कुछ और पर्सनली पूछना हो तो वह भी आप पूछ सकते हो। MBBS की फीस जो है आपके 8 लाख रुपए है एक साल की। MBA की फीस जो है 74,000 रुपीज़ है एक साल की, फर्स्ट ईयर की सॉरी। BBA की जो है आपकी यहाँ पे 80,000, और डिफरेंट फीस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कॉलेज के फेस्ट कैसे होते हैं, कल्चरल फेस्ट हुए, टेक फेस्ट हुए, तो वो तो काफ़ी अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आप देख सकते हो स्टूडेंट जो यहाँ पे स्क्रीन में मैं फोटो दिखा रहा हूँ, और बाकी आप देख ही लोगे वीडियो के एंड में, ठीक है। अब बात करते हैं एलुमिनाई नेटवर्क की, तो जैसे मैंने बोला कि कॉलेज ज़्यादा पुराना नहीं है तो एलुमिनाई नेटवर्क उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फिर भी कुछ अच्छे एलुमिनाइज की यहाँ पे मैं नाम ले रहा हूँ, जहाँ पे आपके कंपनीज़ के अंदर, पर्टिकुलर इन कंपनीज़ के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, फेसबुक के अंदर है, गूगल के अंदर है, को फाउंडर ऑफ गेटवे एग्जामिन का है, अमेजोन के अंदर है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एंड ऑल, ठीक है। अब आखिरी रिमार्क पे बात कर लेते हैं भाई, कॉलेज जो है फाइनल रिमार्क पे बात करेंगे, कॉलेज कैसा है, क्या हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो प्रोज के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं कॉलेज के अंदर वो है इंटरनेशनल एक्सपोजर, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बाहर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एक्सपोजर एक ऐसी अच्छी चीज़ होती है जो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखती है स्टूडेंट्स के बीच में। दूसरा बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर नई कॉलेज है तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा, तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, एक्सीलेंट बोलेंगे। हॉस्टल की कंडीशन बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, खाना भी काफ़ी अच्छा होता है, बट एक बात याद रखना गुजरात के अंदर है तो मीठा चेवड़ा देख लेना ना। चौथी बात करते हैं फैसिलिटीज़ या फैकल्टीज़, जो भी हम बात करें फैसिलिटीज़ भी आपको भरपूर मिलेगी, जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बोल दिया, फैकल्टीज़ भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि बुरी फैकल्टीज़ हैं। और यहाँ से इंटर्नशिप भी आपकी अच्छी खासी लग जाती है, प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिए थे कि वो आगे बात करते हैं कौन से के अंदर। तो बुराइयाँ क्या क्या है जनाब इस कॉलेज के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा महंगा कॉलेज पड़ेगा अगर आपको रेस्पेक्टिवली कुछ देखोगे, इतना भी महंगा नहीं है, बट थोड़ा गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह से तो सबसे ज़्यादा महंगा है ही, थोड़ा सा महंगाई आपको देखने को मिलेगी, जेब गर्म करनी पड़ेगी। प्लेसमेंट की बात करें, प्लेसमेंट अप टू दी मार्क मेरे को नहीं लगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्लेसमेंट इज़ नॉट सो गुड, अगर आप यहाँ प्लेसमेंट के लिए नहीं जा रहे तो आप जा सकते हो, बट अगर आप जा रहे हो तो भी मैंने वो प्लेसमेंट वाली सीरीज़ बताई थी कि जैसे 18, 3.5, 3 इतना ही होगा, है ना। अब अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हो तो उसको क्रॉस कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। अगली बात करते हैं मैनेजमेंट, कॉलेज का मैनेजमेंट सही में बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जितने भी स्टूडेंट से मैंने पूछा है ना भाई, सब ने एक चीज़ ही बोली है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट, किसी को पसंद नहीं है यहाँ का मैनेजमेंट, मतलब बहुत बेकार है। मैनेजमेंट से मेरा मतलब होता है कि किसी चीज़ों को सही से ऑर्गेनाइज करवाना, एग्जामिनेशन को लेके, टाइमिंग को लेके, क्लासेस को लेके, थोड़ा सा मैनेजमेंट मिसमैच देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, मिसमैच है ही ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि इतनी सारी स्ट्रीम दे रखी है तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, और उसका यहाँ पे एक डिसएडवांटेज हमको देखने को मिलेगा, वो है यहाँ पे भाई स्टडी एनवायरनमेंट। अगर जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो भीड़ भड़ाका उतना होगा, और उतनी ही स्टडी कंसंट्रेशन से नहीं हो पाएगी, तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा यहाँ पे एनवायरमेंटल अप टू दी मार्क देखने को नहीं मिलेगा, मतलब नॉट अप टू दी मार्क है, ऐसा एक्सीलेंट एक्सीलेंट नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मीडियोकर से नीचे आ जाता है ना। और
आखिरी कॉन्स मतलब बुराई, आखिरी बुराई मैं करना चाहूँगा यहाँ पे, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। देखो ये मैं मन से नहीं बना के बता रहा हूँ, यही के स्टूडेंट्स बता रहे कि ऐसी ऐसी बुराइयाँ हैं, तो अब आने वाले स्टूडेंट्स को मैं बता सकता हूँ। तो लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको, प्रैक्टिकल के एक्सपोजर लैब वगैरह उतनी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। तो आप एक्सपोज प्रैक्टिकल जो आप एक्सपोजर प्राप्त करने वाले हो इस कॉलेज के अंदर, वो आपको अप टू दी मार्क नहीं देखने को मिलेगा। तो ये था एक बेहतरीन कॉलेज रिव्यू, यूनिवर्सिटी रिव्यू ऑफ पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, जिसे लोग बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। आई डोंट थिंक सो। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको कैसा इन्फॉर्मेशन लगा, कैसा मिला, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मैं आपके फीडबैक का आभारी रहूँगा। और इस वीडियो से आपको अगर अच्छा लगा हो, अगर मेरी बात करने का तरीका, इस इन्फॉर्मेशन वगैरह जेन्युइन लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉलेजेस के रिव्यूज़ मैं करता रहता हूँ, जिसके अंदर मैं सारी अंदर की सच्चाइयाँ आपके सामने खोल के रखता हूँ, जिससे आपका फ्यूचर जो है सेफ रहे, सिक्योर रहे, है ना गाइस। तो आज इस वीडियो के अंदर इतना रखता, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, वीडियो के लिए। ओके, मिलते हैं। सारी मासूम सी खुशियां चल भूल जाए फासले।